गैप मिली नहीं रहा मैं बाइक निकालूं लिटरली। देखो ये देखो, देख रहे हो ओके ब्रो, ये लोकेशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और ये देखो भाई बच्चे का रिएक्शन खाड़ में, तगड़ा। चलो भाई ट्रैफिक फिल्टर करने का ट्राई करता हूँ मैं। ओ भाई कोई चक्कर नहीं, निकल जाएगा। तो भाई काफी दिनों से चैनल में ब्लॉग नहीं आ रहा था, तो बहुत से लोग सोच रहे हैं मैंने यूट्यूब क्विट कर दिया है। पर ना देख सकते हो टूर भाई ना ब्लड डोनेट कर रहे भाई के लिए। ये देखो क्या हाल, ठीक हो? खून निकलवा दिए गाइस। मैं और मेरी पूरी फैमिली ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके थे। मतलब भाई बोलते ना लाइफ में दो चक्कर कभी नहीं लगे, एक पहला पुलिस का, दूसरा भाई हॉस्पिटल चक्कर। भाई दोनों ना बहुत ही टफ होते हैं। सो हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू चैनल। तो आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हुए यूट्यूब फैमिली बहुत ही अच्छी होगी। तो भाई काफ़ी दिनों से चैनल में ब्लॉग नहीं आ रहा था, तो बहुत से लोग सोच रहे हैं मैंने यूट्यूब क्विट कर दिया है। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मेरे साथ ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। मैं इस ब्लॉग के थ्रू ना आप लोग वो सब कुछ बताऊंगा। अभी ना भाई काफ़ी कड़ी धूप है, बट स्टिल मैं आप लोग के लिए ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई टाइम का ना बहुत बड़ा इशू अपने साथ। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा मैं ब्लॉग शूट कर पाऊँ। अभी मैं जहाँ पर हूँ ना, मैं उसका लोकेशन क्लियर करता हूँ पहले आप सभी को। मैं फिलहाल भाई हूँ मुजफ्फरपुर के जूनियर रोड नंबर एक उषा हॉस्पिटल के छत पर, ठीक है भाई? पीछे का व्यू कितना तगड़ा आ रहा है। तो भाई अभी फिलहाल मैं छत पर हॉस्पिटल के, और मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ ब्लॉग के थ्रू मैं 12:30 क्लियर करने वाला हूँ। और इस ब्लॉग को ना थोड़ा भी स्किप मत करना, क्योंकि भाई इस ब्लॉग के थ्रू ना मैं आप लोगों को एक बहुत ही तगड़ा मैसेज दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो आप लोग क्लियर करूंगा, जो कि बताना बहुत जरूरी है। तो इस ब्लॉग को ना प्लीज पूरा देखना। सो गाइस पहले ना आप लोग ये वाला व्यू चेक करो भाई, कितना तगड़ा लग रहा है। मैं जब से हूँ ना यहाँ पर हॉस्पिटल में, लास्ट भाई 15 डेज से मैं हॉस्पिटल में हूँ, और भाई यहाँ का ना व्यू मुझे बहुत सही लगता है छत पे का। भाई इधर देख लो पूरा हॉस्पिटल का व्यू, ये देखो भाई ये पूरा ना जूनियर रोड नंबर एक है, और यहाँ पर ना काफ़ी सारे हॉस्पिटल है। भाई उधर देखो अपना मरीन ड्राइव सामने, देख रहे हो? मुजफ्फरपुर के जो लोग हैं ना उन्हें पता होगा भाई, सामने अपना मरीन ड्राइव है, स्टेडियम है। और भाई ये वाला व्यू ना शाम के टाइम पे ना बहुत ही तगड़ा लगता है। सो गाइस फिलहाल ऐसा सीन है ना कि मैं छत पर हूँ हॉस्पिटल के, और मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ लास्ट 15 डेज से, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं ना उन्हें पता होगा। मैंने इंस्टा स्टोरी पर अपडेट कर दिया था कि मैं इतने से ब्लॉग क्यों नहीं कर पा रहा, इंस्टाग्राम पर कोई रील्स वगैरह क्यों नहीं अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई अभी ना मैं और मेरी पूरी फैमिली ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके थे। मतलब भाई बोलते ना लाइफ में दो चक्कर कभी नहीं लगे, एक पहला पुलिस का, दूसरा भाई हॉस्पिटल चक्कर। भाई दोनों ना बहुत ही टफ होते हैं। मतलब बोले ना भाई बहुत ख़राब कंडीशन था, अभी मैं और मेरी पूरी फैमिली निकल रहा है, बहुत मुश्किल था भाई ये सब टाइम। मैंने ना स्टोरी के थ्रू भाई बहुत से लोगों को बताया ये सब कुछ, बहुत लोगों से मेरी बात भी हुई इंस्टाग्राम पर, उन्हें पता होगा कि क्या हो रहा था मेरे फैमिली के साथ, मेरे साथ क्या सीन था। अभी ना भाई ऐसा सीन है कि मैं फिलहाल हूँ हॉस्पिटल छत पे, और धूप में ना दोपहर का टाइम ब्लॉग शूट करके भाई थोड़ा सा अभी टाइम मिला है। मेरे भैया है ना उनका ना किडनी का प्रॉब्लम हो गया था, तो उनको ना भाई इमरजेंसी में शिफ्ट कराना पड़ा, फिर डायलिसिस पड़ा हुआ उनका। और भैया कंडीशन ठीक है, और उनका ना मतलब बोले तो पाँव में भी चोट था, जिसके बाद उसको ऑपरेट वगैरह करना पड़ा था। तो भाई लास्ट 15 डेज ना मैं हॉस्पिटल ही में हूँ, पहले मैं दूसरे हॉस्पिटल में था, फिर इधर शिफ्ट हो गया। भाई मतलब बोले ना लाइफ बहुत ही बिजी चल रही है, बिल्कुल भी टाइम ही निकल पा रहा कि मैं कुछ भी कर पाऊँ ब्लॉग वगैरह कुछ भी। और भाई एक चीज़ मैं आप लोग क्लियर करता हूँ, लाइफ में कभी भी भाई फैमिली के ऊपर ना कोई प्रॉब्लम आए, सबसे पहले आप लोगों ने फैमिली के साथ स्टैंड करो, क्योंकि ये जो यूट्यूब वगैरह है ना ये तो भाई लाइफ टाइम रहेगा, आप लोग कभी भी कर सकते हो, कभी भी आप अपना ना रिस्क वगैरह बढ़ा सकते हो, कभी भी ना डाउन हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट भाई फैमिली के साथ ना पहले स्टैंड लो हमेशा, भाई अपने घर वालों को ना टाइम दो, लाइफ में भाई वही सब कुछ है, उनके साथ स्टैंड करोगे ना तो भाई आगे ज़रूर बढ़ोगे। ख़राब टाइम भी भाई देखा मैंने अच्छे टाइम भी देखा है, ख़राब टाइम भाई कुछ टाइम का टेम्पररी होगा, भाई अच्छे टाइम फिर से आएंगे। इसलिए भाई लाइफ में ना कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, भाई खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ सब कुछ सही हो जाएगा, टाइम लगेगा बट सही हो जाएगा। सो गाइस मैं ना इस ब्लॉग के लास्ट में ट्राई करूँगा मैं थोड़ा बहुत ना आप लोगों को मोटर ब्लॉगिंग दिखा पाऊँ। मैंने ना कुछ पहले क्लिप रखी है अपने फ़ोन में, वो मैं ऐड वगैरह करने ट्राई करूँगा गोप्रो क्लिप्स है, तो वो सब ना भाई बात की बात है। पहले मैं आप लोगों को एक मोटर ब्लॉग बता देता हूँ भाई, ये ना मैं आप लोग बता रहा हूँ ब्लड बैंक के बारे में। अब सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ, ये ब्लड बैंक के बारे में बता रहा हूँ ना आप लोगों को, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये बिल्कुल भाई मैं अपने साइड बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना उनका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा, उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा। अब भाई ऐसा सीन है ना कि मेरा चैनल है मोटर ब्लॉगिंग का, बट भाई जो चीज़ मैं इंपॉर्टेंट है और जो मुझे अच्छी लगी वो मैं अपने चैनल के थ्रू सबको बताऊंगा। भाई ब्लड बैंक का ऐसा सीन है ना, मैं अभी उषा हॉस्पिटल में हूँ जूनियर रोड नंबर एक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ लोकेशन भाई ना मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जो ब्लड बैंक वाले का कॉन्टैक्ट नंबर वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहने वाला है। इनका ना सिस्टम बहुत सही है भाई, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका इमरजेंसी ब्लड की नीड होती है बट ब्लड अवेलेबल नहीं हो पाता, तो भाई यहाँ का ना कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग भाई नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर आप लोग कॉल करो, भाई बहुत सारे ऑप्शंस है।
आपके पास अगर मतलब ब्लड का कार्ड आता है, ठीक है, वो कार्ड है तो भाई आप लोग कार्ड से ना ब्लड एक्सचेंज कर सकते हो, ब्लड ले सकते हो भाई, बहुत सारे सिस्टम्स है। तो आप लोग यहाँ से कॉन्टैक्ट वगैरह करके ना आप लोग इनसे बातें कर लो, अगर आपको कभी भी इनफेक्ट नीड पड़ती है ना तो ये लोग ज़रूर आपकी मदद करेंगे और हेल्प करेंगे, बहुत सही इनका सिस्टम है। अभी ना मुझे ना 3 यूनिट ब्लड की नीड थी, ठीक है, मतलब डे बाई डे, और सभी ना इन लोगों ने अरेंज कर दिया। मैंने डोनर लेके आया बाहर से, ठीक है, मैं डोनर लेकर आया, मतलब एक बार मेरे पापा ने डोनेट कर दिया, एक बार एक भैया थोड़ा डोनेट किया, एक बार ना अपने टूरर भाई ने डोनेट किया। अब भाई टूरर भाई का मैं सीन बताता हूँ, भाई मेरा बचपन का दोस्त है, ठीक है, और भाई जो बचपन की दोस्ती होती है ना वो भाई हमेशा आपके काम आती है। बोले ना भाई प्यार व्यार मत करो, दोस्तों को टाइम दो, भाइयों को टाइम दो, भाइयों का प्यार कमाओ। भाई ये लोग ना आपके ख़राब टाइम में हमेशा साथ रहेंगे। मेरे भाई बहुत सारे दोस्त हैं बट भाई मैं ना 4-5 को ही खास मानता हूँ, आयुष भाई है, रौनक भाई है, भाई अभिषेक है, मतलब किशन, ये लोग सब लोग इतने हैं ना भाई, राहुल भाई लोग, ये लोग ना भाई मेरे हमेशा ख़राब टाइम में अच्छे टाइम में मेरे साथ रहते हैं। तो भाई राहुल भाई ने ना अपना ब्लड डोनेट किया भाई 1 यूनिट, भाई ने ना इतना ब्लड डोनेट कर दिया अपने मेरे भैया के लिए। ये सब ना मैं लाइफ में कभी नहीं भूलने वाला यार, कितना भी ग्रो कर दूँ कुछ भी हो जाए भाई, ये सब चीज़ ना मैं कभी नहीं भूलूंगा, जो मेरे ख़राब टाइम मेरे साथ रहता है ना भाई उसको भाई कभी नहीं भूलूंगा यार, लिटरली। थैंक यू भाई अगर तुम ये ब्लॉग देख रहे हो तो, मैं भाई सामने से इतना नहीं बोल पाता भाई को, लेकिन भाई का प्यार बहुत है भाई, हमेशा मेरे सपोर्ट करता है, या फिर वो ब्लॉग हो, यूट्यूब हो, मैं डाउन भी होता हूँ ना तो मैं अपसेट हो जाता हूँ कि मैं छोड़ दूंगा, ड्रॉप कर देता हूँ ये सब, लेकिन भाई मुझे मोटिवेट करता है कि नहीं तुम करो, तुम जरूर ग्रो करोगे। भाई हमेशा मेरा सिनेमैटिक वगैरह शूट करता है भाई, बहुत हेल्प करता है यार, इसलिए मैं बोलता हूँ भाई प्यार वगैरह चक्कर छोड़ो यार, भाई दोस्तों को टाइम दो, भाइयों का प्यार कमाओ, लाइफ में आगे बढ़ोगे। घर वालों को भाई टाइम दो, भाई लोगों को टाइम दो, लाइफ में जरूर आगे बढ़ोगे, ये मेरा ना वादा है आप सभी से, आप लोग जरूर ट्राई करना, ठीक है। जो लोग भी प्यार व्यार कर रहे हैं भाई कुछ भी नहीं रखा भाई, सभी कुछ टेम्प्रेरी है, आपके साथ कुछ टाइम रहेंगे सब, और फिर भाई मूव ऑन वगैरह होगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगा, भाई छोड़ दो। सो गाइस यहाँ पर ना देख सकते हो टूर भाई ना ब्लड डोनेट कर रहे हैं भैया के लिए, ये देखो क्या हाल, ठीक हो, खून निकलवा दिए गाइस, देख लो। तो गाइस अभी जो आपने क्लिप देखा ना, ये भाई वो वाला क्लिप था जो ट्यूबलर भाई ना आज से 1-2 दिन पहले ना ब्लड डोनेट कर रहे हैं भैया के लिए। भाई हम लोगों ने बहुत इमरजेंसी था, कोई भी डोनेट नहीं मिला था जो ब्लड डोनेट करे, कोई बंदा रेडी नहीं हो रहा था, बट भाई ने बोला कि मैं डोनेट कर दूंगा। यार मतलब समझ रहे भाई, अपने नहीं आते भाई खराब टाइम पे, बट भाई ना ऐसा दोस्ती ना हमारा भाई से कि भाई ना आकर ब्लड डोनेट किया, और मैं जितना बोलूँ उतना कम है यार उसके लिए। मैं ना मतलब क्या बोलूँ यार, दिल से शुक्रिया भाई, और बहुत जल्दी ना मैं और टूबलर भाई और हमारे 2 भाई है सभी लोग ना लॉन्ग राइड्स पे भी जाने वाले हैं, तो आने वाले टाइम पे चैनल बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोग देखने मिलने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। अपना भाई कुछ क्लिप मैं ऐड कर देता हूँ जो ना भाई मैंने आज से कुछ टाइम पहले शूट किया था, वो सब देख लो। और ये देखो भाई एक बड़ी देख रहे हो क्या है भाई, गन्ने का जूस, गर्मी है ना भाई। सो गाइस अभी ना भाई सामने एक पूल आने वाला है, उधर रुकता हूँ भाई, उधर का व्यू दिखाता हूँ आप सभी को भाई, बहुत ही प्यारा है, लिटरली सच्ची बहुत प्यारा है। तो पहले बाइक भगाता है, चलो वाओ, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लो बस, ये देखो ये पूल ना भाई, कौन कौन जानता है वो कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, मुजफ्फरपुर जितने लोगों ने पता होगा, व्यू चेक करो भाई क्या लग रहा है, देख रहे हो तबाही। ओ भाई, अभी तो क्रैश होता है तगड़ा वाला, भाई साहब कार वाला बंदा लिटरली यार। तो भाई ये लोग ना लेन को अपने छोड़ देते यार, कार में तो खुद बैठे भाई, उनके पास एयर बैग की सेफ्टी से बहुत कुछ है, बट भाई दूसरे का नहीं समझते नहीं। भाई सामने साइड देखो थार जा रही है भाई, थार मत देखो, ये देखो जय श्री राम, आप लोग भी कॉन्ट्रास्ट लिख दो जय श्री राम। चलो भाई थार को करते पीछे, कोई कमेंट नहीं करेगा कि भाई उसने स्पीड नहीं बढ़ाई, नहीं तो तुझे ऊपर चढ़ा के निकल जाता थार। आप लोग ना गेस करो ये कौन सा लोकेशन है, और कमेंट में बताओ, देख लो भाई लोकेशन चेक कर लो एक बारी। भाई ये लोकेशन ना मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और ये देखो भाई बच्चे का रिएक्शन खाड़ में तगड़ा, बहुत दूर जाम है, बहुत दूर तक जाम है। तो अपना छोटा भाई क्रेश भी दिख गया, चलो भाई ट्रैफिक फिल्टर करने का ट्राई करता हूँ मैं। ओ भाई कोई चक्कर नहीं, निकल जाएगा। भाई जॉब रहती ना अपनी वाली, तो भाई एक बार थ्रॉटल लेता सारे सामने चढ़ जाते यार, बट कोई चक्कर नहीं भाई, निकलते धीरे धीरे। देख लो भाई देख लो, थोड़ा सा साइड से भाई गैप है, ट्राई करता निकलने का, देखो
ओ भाई थोड़ा ही मिस्टेक हो तो मैं नीचे जाऊंगा भाई, उधर नीचे भाई। भैया रुक जाओ, जाने दो यार, आप लोग के साथ तो मजबूरी है, अपना निकल पाओगे बट मुझे तो जाने दो गाइस। तो गाइस ये जो ब्लॉग था ना मैंने जस्ट शूट किया भाई, इसलिए कि भाई हमारे जो पब्लिक है ना उन्हें एटलीस्ट पता हो कि क्या चल रहा है हमारे लाइफ में, मैं कहाँ पर बिजी हूँ, इतने से ब्लॉग वगैरह क्यों नहीं आ रहा है। भाई बहुत लोग सोचते हैं कि भाई थोड़ा बहुत ग्रो कर गया तो भाई बंदा में एटीट्यूड आ गया, इसलिए भाई इग्नोर कर रहा है, अपने काम को छोड़ रहा है और भाई मस्ती कर रहा है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं, भाई घर को ना देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए डेट्स अप ना भाई थोड़ा भी ना ये सब कुछ भी नहीं किया ब्लॉगिंग वगैरह। आज थोड़ा बहुत टाइम मिला भाई, अब डिस्चार्ज है आई थिंक मिल जाएगा आज, इसलिए भाई मेरे को टाइम मिला तो मैं ब्लॉग वगैरह करके आप लोग बता रहा हूँ। और भाई डिस्चार्ज आज मिला तो भाई ये ब्लॉग ना कल ही आ पाएगा, क्योंकि भाई डिस्चार्ज वगैरह प्रोसेस वगैरह कराना है, घर पर ले जाना भैया को शिफ्ट करना है, तो ये सब भी काम जरूरी है। भाई अकेले गार्जियन हूँ कि भाई कितना भाई मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दूँ, भाई बड़ा हो गया हूँ, अब घर वालों को देखना पड़ता है। तो भाई एंड ऑफ द ब्लॉग मैं यही चीज़ बोलूँगा कि कभी भी लाइफ में ना भाई खराब टाइम आना तो भाई घबराओ मत, भाई सब है ना लाइफ का पार्ट है, आप लोग को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, कौन अपना है कौन क्या है भाई आप लोग को ना सब नज़र आ जाएगा, ठीक है। यही सब टाइमों पे जब खराब टाइम होता है ना, जो बंदा आपके साथ स्टैंड लेता है वो आपका ना रियल फ्रेंड या फिर रियल फैमिली मेम्बर वगैरह बोल सकते हैं, ठीक है। तो भाई जो भी था मैंने आप लोगों से क्लियर किया, जल्दी भाई चैनल पर ना लॉन्ग राइड्स के ब्लॉग आने वाले हैं, हम लोग जल्दी ट्रैवल करेंगे, घर की सिचुएशन ठीक हो जाए बस उसके बाद ना निकल जाएंगे लॉन्ग राइड्स पे, मैं टूर वेर और भाई और सभी लोग, ठीक है। और साथ में ना मैं ना आप लोगों के लिए कुछ तगड़ा प्लान कर रहा हूँ, वो हो सकता है या फिर कोई बाइक होगी या फिर कोई गैजेट होगा, कुछ भी होगा भाई वो ना आपको पता चल जाएगा ना टाइम पे। तो भाई आप लोग ना चैनल ज़्यादा सपोर्ट करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते जल्दी नए ब्लॉग के साथ, हियर अबाउट करेटा साइनिंग ऑफ, फिर भाई सी यू, सबको दिल से प्यार भाई, ख्याल रखो, मजे लो जिंदगी के, सभी लाइफ के पार्ट है भाई, खराब टाइम अगर आता है तो घबराना कहीं मत। जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते फॉलो कर लो भाई, वहाँ पर ना सारे अपडेट आते रहते हैं, स्टे ट्यून।